आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भाजपा युवा मोर्चा के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष चुने जाने पर प्रथम जनपद आगमन पर निखिल राय का भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता विनायक सिंह सरदार के नेतृत्व में गोविंद प्लाजा आसिफगंज पुरानी कोतवाली पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रतीक सिंह, मिंटू, सब्बू भाई, रमेश सिंह, राकेश सिंह सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। पत्रकारों से हुई बातचीत में विनायक सिंह सरदार ने कहा कि निखिल राय का जनपद आगमन पर हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आगामी 2022 के चुनाव में हम सभी एकजुट होकर आजमगढ़ जनपद की 10 विधानसभा सीटों को जीतने का काम करेंगे। और आगे क्या कुछ कहा, आप भी देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। मैं विनायक सिंह सरदार, भाजपा कार्यकर्ता आजमगढ़ का। आज आपके सौजन्य से आज निखिल राय जी का स्वागत किया गया, क्या कहना चाहेंगे? जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं हमारे निखिल राय जी, आज हम उन्हीं के स्वागत में हम सभी युवा खड़े हैं और बहुत ही उत्साह है हम सभी युवाओं के अंदर कि हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आज आ रहे हैं और आज एक भव्य और ऐतिहासिक आशीर्वाद यात्रा के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और हमारा यही उद्देश्य है कि युवाओं के साथ अब की बार 350 पार के लक्ष्य को हम लोग पार करेंगे और आजमगढ़ में 10 की 10 सीट युवाओं के बलबूते पर हम जीतने का काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ आज ये आशीर्वाद यात्रा ऐतिहासिक रैली, जैसा कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, आप किस तरह से आजमगढ़ की सीटें जीतेंगे? युवाओं, और आज आपको जो ये रैली है ऐतिहासिक रैली होगी और युवाओं के बल पर हम जीतेंगे आजमगढ़ में और 10 की 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।